हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि एंड आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं दिस क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द लिमिट क्वेश्चन? ऑलवेज हम लोग ये जो हम लोगों को फंक्शन का वैल्यू दिया जाता है इसमें वी विल ऑलवेज रिप्लेस बाय दिस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज basically replace this value and we should not get the denominator zero or numerator zero होने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। so let just put the value zero minus this is a minus a square minus zero divided by zero। सो देखो इसमें हम लोगों को डायरेक्टली डिनोमिनेटर जीरो मिल ही गया है और अगर इफ़ यू सॉल्व करोगे ना ये वैल्यू भी जीरो हो जाएगा, तो हम लोगों को जीरो बाय ज़ीरो और ए बाय ज़ीरो नहीं चाहिए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। डायरेक्टली वी कैन नॉट सब्सटीट्यूट द वैल्यू। सो हम लोगों को पहले अब क्या करना होगा, वी विल सिंप्लीफाई दिस वैल्यू। सो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एंड देन हियर ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग ट्राई करेंगे टू राइट डाउन लाइक दिस ए माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन ए मतलब बेसिकली ये वन वैल्यू हम लोगों को कंसिडर करेंगे, ये अनदर वैल्यू, ये जो नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और हम लोगों ने ये वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से हम लोग कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा वैल्यू को भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, सो डिनोमिनेटर को भी हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। सो वी हैव मल्टीप्लाइड दैट वैल्यू। नाउ बेसिकली हियर वी हैव प्रिपेयर्ड द वैल्यू टू यूज दिस फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी देखो ये वैल्यू ए ही है और बी का प्लेस में हम लोगों ने ये वैल्यू कंसिडर किया है रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड हम लोगों को वैल्यू तो मालूम है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सो अभी इफ़ यू कंपेयर दिस वैल्यू, ये वैल्यू ए है, देन माइनस बी के प्लेस में दिस वैल्यू इज देयर। सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो देन वैल्यू इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो दिस इज ए स्क्वेयर देन माइनस बी का वैल्यू है रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, दिस इज स्क्वेयर एंड डिनोमिनेटर वैल्यू है एक्स स्क्वेयर इंटू ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। नाउ लेट मी हियर रिमाइंड यू वन पॉइंट, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है वो लोग लिमिट का वैल्यू नहीं लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन में लिमिट था, बाद में ये लोग लिमिट क्वेश्चन लिखते नहीं है, ये सॉल्व करके जाते हैं और बाद में जो भी मिलता है डायरेक्ट पुट कर देते हैं। सो वो भी रॉन्ग मेथड है। रॉन्ग मेथड इसीलिए है कि हम लोगों को एवरी स्टेप में ये लिमिट जो है ना ये कंटिन्यू करना होगा, ये तुम लोगों को लिखना ही होगा। सो आफ्टर दैट लिमिट एक्सटेंड्स टू ज़ीरो, नाउ ये ए स्क्वेयर हो गया, ये रूट ओवर था, रूट ओवर को स्क्वेयर करने से फिर से रूट ओवर इज रिमूव, सो एक्स स्क्वेयर देन एक्स स्क्वेयर माइनस ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, देन सिंप्लीफाई द वैल्यू ए स्क्वेयर, देयर इज ए माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ द ब्रैकेट, सो इफ यू रिमूव द ब्रैकेट ऑल द वैल्यूज विल बी different, at least all the values will be alternate. A square is a positive value so it become negative, then x square minus minus plus so it becomes x square. So x square denominator same है a square minus x square. अभी देखो a square we can cancel the value. So after cancellation limit extends to zero. ये वैल्यू क्या रह गया, द वैल्यू इज एक्स स्क्वेयर, सो इट इज एक्स स्क्वेयर इंटू ए प्लस रूट ओवर ए स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर। सो नाउ यू कैन सी दैट एक्स स्क्वेयर इज प्रेजेंट इन बोथ द वैल्यू। और तुम लोगों को ये याद रहेगा कि पहले हम लोगों ने जब लिमिट में डायरेक्टली वैल्यू पुट किया था इक्वल टू जीरो, देन
ड्यू टू दिस वैल्यू हम लोगों को जीरो मिला था. सो नाउ कैंसल दिस वैल्यूज. सो आफ्टर कैंसिलेशन इट रिमेन्स ए प्लस रूट ऑफ वर ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर. सो अभी तुम लोग अगर रफली ये वैल्यू तुम लोग ऐसे ही दिमाग में सोच के देखते हो तो ये जीरो नहीं होगा. डिनोमिनेटर किसी भी एंगल से जीरो नहीं होगा. सो इस स्टेप के बाद नाउ वी कैन पुट द वैल्यू x इक्वल टू जीरो. सो वन प्लस वन बाय ए प्लस एक स्क्वायर माइनस जीरो. सो ए प्लस रूट ऑफ आर ए स्क्वायर वैल्यू a है. सो a प्लस a डिवाइडेड बाय टू ए. सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन.